अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, बहुत सारी तालियां और बहुत सारा शोर अपने लिए कर दीजिए आप लोग। 1 2 3 गो। और आज सबसे बड़ी नेमत होती है, और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों घर ऐसे हैं जहां लोग औलाद का इंतज़ार करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है। आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे मुजर्रब नुस्खे दे सकें जिससे आपके घर में खुशियां आ सकें। मुझे आज तक गाना याद है जो फिल्म कभी कभी में था, मेरे घर आई एक नन्ही परी। जिनके यहाँ औलाद होती है वो बड़ी मुख्तलिफ फीलिंग होती है उसकी, बहुत मुख्तलिफ फीलिंग होती है। एंड आई एम अ फादर, आई नो एग्जैक्टली, मुझे पता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं ये जानता हूँ। और जितने भी वालदैन हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली हाउ दे फील अबाउट देयर यू नो औलाद एंड देयर डॉटर्स एंड देयर सन्स। और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में कि आपके यहाँ औलाद हो। तो आज हमने कोशिश ये की है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बे औलादगी का है, या औलाद नहीं होती, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हमने कोशिश ये की है कि आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू टोटके हैं। साथ साथ एक बहुत आजमूदा हकीम डॉक्टर हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगी एग्जैक्टली कि किस तरह से अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो आपके घर में औलाद आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, आज का प्रोग्राम आप मिस नहीं कर सकते। आप किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते होंगे जिसे औलाद की तमन्ना होगी, किसी न किसी ऐसे घर को जानते होंगे जहां आप ये चाहते होंगे कि वहां औलाद आए। तो आज बस आप प्रोग्राम देखते रहिए, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आज आपको बहुत मुफीद बातें बताएंगे। सबसे पहले बहुत सारी तालियाँ फरा के लिए, फराज राइट है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सही है ना, एकदम से एनर्जी आई ना। बहुत अच्छा है, हाँ। कि बहुत सारे घर में खुशियाँ आने वाली है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद, कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा तरीका इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो ये नई चीज़ें इनको पता लगेगी तो यकीन भाई देखिए, आज हम आपको डॉक्टर के पास नहीं भेज रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको डॉक्टर के पास नहीं भेज रहे हैं तो हम आपको डॉक्टर के पास नहीं भेज रहे, बल्कि डॉक्टर खुद चल के आपके पास आ रहा है। ट्रस्ट मी, आज का शो आप मिस नहीं कर सकते। बहुत सारी तालियाँ आमना करीम के लिए, बहुत सारी तालियाँ। वाकई जिसमें अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, और हम जो भी मैसेज कन्वे कर सकें और हमारे यहाँ कोई भी कंट्रीब्यूशन हो तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बड़ी बात। और हमारे साथ अलीजा मौजूद है, अलीजा के लिए बहुत सारी तालियां। जी अलीजा, क्या कहते हैं? गुड गुड, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और आज का टॉपिक के बारे में क्या? आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे लोग ऐसे, आप आई एम श्योर कुछ लोगों को जानती होंगी जिनको औलाद की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं। देयर यू गो, देयर यू गो। अरूज, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत सारी तालियां अरूज के लिए। ओके, सो टेल मी, आप कुछ ऐसे लोगों को जानती हैं जिनको औलाद? Quite a few actually. Okay. In my family as well, मेरी एक aunt है. Okay. And she had children after 20 years of marriage. Wow. 20 साल के बाद. तो अगर आज का शो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हुई है और बहुत सालों से नहीं हुई है तो हो सकता है आज के शो के बाद यू नो आपको एक खुशखबरी मिले। फराना जी, जहर फराना जी के लिए बहुत सारी तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कोर्स जी फराना, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जिनान हर्ब की तरफ से आप हैं, मुझे बताइएगा कि आप ये आजमूदा नुस्खे हैं जी, हो जाते हैं जी 100%, इससे पहले भी 100% जी 100%। मैं ये निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, 100% है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट आज जिनको औलाद की ख्वाहिश है उनको मैं देने भी जाऊँगा, कम अज़ कम 10 ये नुस्खे मैं उनको आज दे दूँगा, 10 नुस्खे मैं ये दूँगा आज। अच्छा जी, सलमा आसिम साहबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे लिए कोई ग्रीन टी ले आए, इसके अंदर कुछ चला गया, सॉरी जी। नहीं, इट्स ओके। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि मीडिया पे इतनी ओपनली कोई इस तरह बात करता होगा जिस तरह आप इस टॉपिक को लेकर आते हैं। देखिए यार, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत, और मतलब जिनके घर नहीं है उनको तो बहुत अच्छी तरह से इस तकलीफ का अंदाजा है, और जो है हम लोगों को शायद हम इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अच्छा ठीक है जी अल्लाह की मर्जी, लेकिन वो इतनी अजियत, इतने ज़हनी तनाव का शिकार हैं वो लोग के जिसकी हक में, तो अगर उसमें हम ये थोड़ी सी मदद कर सके, ये इतने पुराने और आजमूदा नुस्खे हैं, अगर इनसे ये खुशी इनके घर में आ जाए इससे अच्छी और क्या बात। डन जी, जी हकीम साहब के लिए सबसे पहले तो बहुत तालियां। अरे यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग खवातीन को जो है वो यानी सख्ती करते हैं उस पर, जी कोई मसला होगा, कोई वजह होगी, क्यों नहीं हो रही है,
सिर्फ 5 मिनट का एक टेस्ट अपने बेटे का करवा लें तो पता चल जाएगा, क्योंकि बाज़ों का सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, सिर्फ अपने बेटे का टेस्ट करवा लें तो उसमें भी वाजे हो जाएगी कि यार सारी दवाएं क्या वहीं यूज़ हो रही हैं। एक छोटी सी बात ऐड करूं, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा टेस्ट होता है लेकिन पता नहीं लोग इसे अपनी गैरत का, इज्जत का, अना का मसला बना लेते हैं और सालों मर्द और औरत। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आज हम इन मसलों पर बात नहीं कर रहे। आज तो बहुत कट थ्रोट किस्म का शो है, आज तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप अगर आपके घर औलाद नहीं है तो आप आज इस शो से फ़ायदा उठा सकें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से हमें शुरू करना ही चाहिए। सबसे पहले तो कुछ वज़ाइफ का जिक्र हो जाए जो वाकई काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं, और हम शायद ये भूल कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं, याद नहीं रखते। आप सभी कुछ चीज़ें करें लेकिन ये वज़ाइफ ज़रूर साथ साथ करें, ये वाकई काम करते हैं, मैंने ऐसे होते हुए देखा है। अच्छा, मैं कुछ कॉलर्स को लाइन पे भी लूँगा जो आपके कॉलर्स हैं जिनको आपके इलाज से फ़ायदा भी हुआ है। जिनान इनका ब्रांड है, इट्स कॉल्ड जिनान हर्ब, और इसकी ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बात हो जाए वज़ाइफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ और TvOne का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके चैनल की वजह से मेरे इस वक्त पूरी दुनिया में 3000 पेशेंट हैं, और 3000 पेशेंट माशाल्लाह, जिसमें से 250 पेशेंट ऐसे जिन्होंने बेबी डिलीवर कर लिया है। चलिए मुर्तजा, इनको आप इनवॉइस भेज दीजिए, हम लोग नॉर्मली एक मिनट का तकरीबन 2 लाख रुपए लेते हैं, तो इनवॉइस भेज दीजिएगा। ठीक है, डिलीवर बेबी ने किया, और इसके अलावा जो है प्रोसेस के अंदर इस वक्त मेरे 1500 पेशेंट हैं माशाल्लाह, और ये मेडिकल इसमें जोर से होनी चाहिए तालियां। पुरानी आयतों से मैं रुकिया करती हूँ, इलाज करती हूँ, उससे शायद अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में या मुझे पसंद किया इस काम के लिए, और ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, लेकिन मुझे पसंद किया। मैं इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मरियम की तिलावत कहती हूँ कि आप लोग सूरह मरियम की तिलावत करें, रोज़ाना एक मर्तबा पढ़ें, और पानी पे दम करके ये वजीफ़ा यूज़ करें खुद भी और हस्बैंड भी। इसके अलावा या अल्लाह या खालिको या बारी या मुसव्विर, दोबारा से बता दीजिएगा। ले आइए। हाँ जी, दोबारा से बता। सूरह मरियम है जिसे रोज़ तिलावत करनी है, सुबह में कर लें, रात में कर लें, शाम में कर लें, या अल्लाह या खालिको या बारी या मुसव्विर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा कंटिन्यू 9 महीने तक करें। अगर बेबी आपको खूबसूरत चाहिए उसके लिए सूरह यूसुफ 5वें महीने से पढ़ना शुरू करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा है, और इससे माँ और बच्चा दोनों सेफ भी रहता है, और हमल बहुत आराम से 9 महीने का जो सिलसिला है अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ गुजार देता है। अगर बेबी बहुत खूबसूरत चाहिए तो उसके लिए आपको सूरह यूसुफ पढ़नी है। बड़ी बात, देखें वैसे तो हर माँ के लिए बिल्कुल मिलते हैं, हर 100% उसमें कोई और बात है ही नहीं, कोई दो राय हो ही नहीं सकती किसी की भी। देखिए सबसे बड़ी बात यह, हर माँ को अपना बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है, अपनी औलाद बहुत हसीन लगती है, हर वालिद को फ़ख्र होता है अपनी औलाद पर, लेकिन अगर यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उनको इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा अगर आप सूरह यूसुफ की तिलावत करना शुरू कर दें और 5वें महीने से शुरू करें तो अल्लाह ताला आपको जो औलाद से नवाजेगा वो हसीन व जमील होगी, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में खुद थे। ज़ाहिर एक चीज़ ये है कि माशाल्लाह मेरी मेडिसन से सबको बेटे हुए। अच्छा भाई ये ना कहें, ये थोड़ी सी नहीं, मतलब ये भी ये है कि जब हमारी नानी ये मेडिसन दे दिया करती थी तो वो ये कहती थी दोनों मियाँ बीवी खाएं। जी जी, जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि आदमी जो है इस चीज़ से बहुत दूर है, वो इलाज की तरफ नहीं आते, लेकिन हमारी नानी कहती है नहीं, दोनों को इलाज की ज़रूरत है, ठीक है आप इलाज दोनों का कराएं।
लेकिन अगर बिलफर्ज औरत ही मेडिसिन खाती है तो बेटी होती है, लेकिन अगर दोनों खाते हैं तो अल्लाह की तरफ से ये नेमत है। आप इलाज भी समझ लें और ये भी समझें कि आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। खैर मैं तो मैं माजरत के साथ मुझे लगता है कि बेटी हो या बेटा हो दोनों अल्लाह की औलाद होती है, और बेटे की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन बेटी से ज्यादा हसीन चीज दुनिया में कोई और नहीं है। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान जिनके घरों में बेटियां होती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें। बिकॉज मेरे ख्याल में ऑल ऑफ अ सडन बेटी आपको तब्दील कर देती है, आपको चेंज कर देती है, आपकी ज़िंदगी को बदल देती है, आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो बेहतर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बेटा, मेरा एक्सपीरियंस बेटे का नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटी डेफिनेटली आपको सडनली चेंज करती है, वो एक नए रुख से आपको मुतारफ़ करवाती है, वो रुख जो आपने अपना कभी नहीं देखा होता बेटी आपको बताती है। आपको चोट का एहसास होता है, आपको तकलीफ़ का एहसास होता है, आपको दुख का एहसास होता है, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन, यू स्टार्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अब आपको ये लगता है कि आपकी बेटी आ गई है ना, अब सोचें वो कैसी ज़िंदगी गुजारेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेटी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, कोई बड़ी नेमत नहीं होती जी। सलमा या शाह साहब क्या कहते हैं? आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। बाज़ लोग इस बात पे जिनके घर औलाद है, हालांकि ये टॉपिक वो नहीं है, बेटी का जिक्र छिड़ा है, तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू ऑन एयर एक बात थी मेरी अपनी फैमिली में, मेरे इन लॉज में उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि हमारी तो सात पुश्तों में बेटियाँ नहीं होंगी, माशाल्लाह सबके बेटे हैं। तो जब मेरी दो बेटियाँ हैं और उनको वो प्यार करते हैं तो मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहती हूँ, मैं कहा आपकी सात पुश्तों में अल्लाह ने नेमत तो दे दी, रहमत नहीं दी, रहमत से मरहूम कर दिया आपको। और वाकई अगर आप बेटी के बाप हैं, बेटी क्या चीज़ है आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, यू ऑल्सो नो, यू आर स्टिल इन, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी एक ही औलाद है और वो लड़की है, और आई एम वेरी हैप्पी, एंड अगर मेरे पास एक और लड़की आई विल बी इवन मोर हैप्पियर। बहुत जैसे कि हम बहनें हैं घर पे, भाई बाहर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप का ख्याल कौन, बेटियाँ ही रखती हैं। भाइयों को काम होता है, वो बीमार होते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, रात को उठते हैं तो बेटियाँ ही काम आती हैं, तो बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं जहाँ जहाँ देखा। बेटियाँ मतलब माँ बाप का तो ख्याल रखती हैं, बस जब सारी बातें मैंने कहा सारी बातें इतनी अच्छी अच्छी हो रही हैं तो फिर बिल्कुल हकीकी बातें भी करें ना। हाँ जी तो बिल्कुल ठीक है। बेटियाँ माँ बाप ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत। साहिर भाई एक चीज़ बताऊंगा कि जब घर पे बैठे होते हैं हम लोग, ना अचानक से जब उनकी शादी होती है उन्हें पता होता है, हालांकि उनके फादर से ज्यादा अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है, उनके भाइयों से ज्यादा नेक दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन वो बेचारा जो हस्बैंड है वो दुनिया भर का छटावा निकलता है। पता नहीं उसकी सारी मूवमेंट, मेरा भाई तो काम करके, तो हम तो क्या पत्थर तोड़ के आते हैं, मतलब क्या ऐसा क्या होता है, तुम्हारा भाई इतना अच्छा क्यों है, मेरे भाई से ज़्यादा नेक, मेरे फादर से ज़्यादा मुत्तकी दुनिया में कोई नहीं, और पता नहीं मेरे कौन से नसीब फूटे थे कि तुमसे शादी हो गई। अच्छा अच्छा, मजे की बात है आपने 2 मिनट के बाद बोले कि अच्छा ठीक है अब मत निभाओ जाओ, लेकिन फिर उसके बाद एक जुमला आता तुम अकेले रह जाओगे, खुदा का वास्ता नहीं रहूंगा जाओ, लेकिन नहीं जाना भी नहीं। अच्छा फिर कहीं एक अच्छा फर्ज कीजिए कि खुदा ना करे, एक बहुत दुखती रग होती है ख्वातीन की, खुदा ना करे किसी मर्द से ये गलती सरजद हो जाए कि वो मेंशन कर दे कि जी अच्छा आप बस मेरे ख्याल में दूसरी शादी में कर लेता हूँ, कोई बात नहीं तुम नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा दुखता हुआ टॉपिक और कोई नहीं है। उसके बाद चोर की पिटाई हो जाएगी और वो फिर चोर हो जाएगा, हो सकती है, खाना पानी बंद हो सकता है, आप बहुत, आप मैं माजरत के साथ, लेकिन आप बहुत गलत लोगों को जानती हैं। आप ख्वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता ना तो ख्वातीन पे हाथ उठाएं और ना उन्हें हाथ उठाने दें, गलत है, इट इज रॉन्ग। डोमेस्टिक वायलेंस चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से, तो खैर नहीं, ही उनके पास एक हथियार होता है, रोना धोना बहुत सही चीज है। नहीं अभी 12 तारीख के बाद ना मेरे यहाँ ईद का दिन शुरू हो रहा है, मेरी बेगम अपनी माँ के घर जा रही है।
और यहां बोल रहे हैं अभी जो आपने बात कही थी ना छोटा सा एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद आप याद रखिएगा 12 के बाद हम इनके घर से लाइव जाएंगे छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे शर्तिया औलाद हो जाती छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जी फरा हम क्या करने वाले मैं एक आपको फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाना बताऊंगी ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा है अच्छा आपको सर आप इधर आ जाइए मेरी कुर्सी पे कोई बात नहीं वैसे भी यू नो 12 तारीख में दिन कम रह गए जी एक मिक्सचर बनेगा बहुत अच्छा आपकी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आप हेल्दी खाना खाएं वैसे घर में जितनी भी खवातीन होती हैं वो बस घर का पका हुआ खाना खा लेती लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती जब आप सेहतमंद होगी आपके अंदर किसी विटामिन की प्रोटीन की किसी भी चीज़ की कमी है किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट की तो वो इससे पूरी होगी तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बेबी कंसीव होगा और आप इंशाल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और ये जो मैं आपको एक मिक्सचर बनाना बता रही हूँ ये बहुत आजमाया हुआ है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं बहुत आसान है आप इसको ज़रूर खाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपके घर में खुशियाँ देगा तो हम इसको बनाते हैं मैंने केला ले लिया तकरीबन एक अदद में केला लूंगी उसको मैं अच्छा ब्लेंड करूंगी ये मिक्सचर बनेगा ये मेरा सवाल है जी ये खवातीन के लिए है या मर्दों के लिए ये मैं खवातीन के लिए बता रही हूँ जी खवातीन मतलब... के लिए बता रही हूँ खवातीन इसको इस्तेमाल करेंगी ठीक है एक अदद मैंने केला ले लिया अच्छा खुबानी है ये मैंने इसको थोड़ा सा इसका बीज निकाल के ड्राई वाली खुबानी अच्छा ये देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है तो इसको जरा अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिएगा खुबानी ले ली मैंने जी और ये 5 अदद खुबानी मैंने लेनी है ठीक है 5 अदद खुबानी लेनी है आप इसकी तादाद का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस तरह के जो ये टोटके होते हैं जो खाने के ये किसी मकसद के लिए होते हैं और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो उसकी तादाद का आप ख्याल करें और दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा खाना है आपको और आपने ये तकरीबन 1 महीना खाना है पूरा 1 महीना आपने रेगुलर खाना है इसमें आपने बीच में छोड़ना नहीं गैप नहीं करना ठीक है ये आपकी दवाई बन रही है 5 अदद मैंने यहाँ पर खुबानी और ये 2 गुलाब के फूल की पत्तियाँ ताज़े होने चाहिए गुलाब के फूल ये मैंने पत्तियाँ इसके अंदर डाल दी और याद रखिए अंगूर दे दीजिए जी अंगूर ठीक है और ये तकरीबन आप देखें ये 1 कप मेरे पास अंगूर है ये मैंने इसके अंदर शामिल किया और मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए बस थोड़ा सा पानी कि इसका एक गाढ़ा से हलवा टाइप का मिक्सचर बन जाए इतना हमने इसको ब्लेंड करना है बस थोड़ा सा कि आप इसको स्पून के साथ खा सकें ये मज़ेदार भी होता है जायके में भी अच्छा होता है आप खा भी सकते हैं पैक नहीं हो रही अच्छा देखिए इसमें अभी आप जैसे फारा ने बताया था इसमें क्वांटिटी को बड़ा मेंटेन रखना है जितना हाँ, बोला गया है उतना ही इतना ही डालना है जी बस ये हो चुका है डन बस ओके जी इसको आपने स्पून से खाना है ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो ये थोड़ा सा शेक टाइप का हो गया लेकिन आपको इसको स्पून से खाना है आराम आराम से खाना है आपको इसे तकरीबन इसको चबा चबा के इसके चंक्स मुंह में आए तो आपको चबा चबा के खाना है और ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं ऐसा ज़्यादा भी नहीं है पानी तो आई थिंक इट्स ओके हाँ ठीक है लेकिन आप इसको चबा चबा के खाएँ इसको आप खाने का जो बेहतरीन जो वक्त होता है वो दोपहर के खाने से पहले होता है ठीक है क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं आपको ठंडा ना लगे सुबह भी आप ना खाएं और रात को भी सोते वक्त ना खाएं दोपहर का वक्त ये बहुत अच्छा वक्त है दोपहर का खाने का वक्त जैसे 12:30 से लेकर आप 1:30 बजे तक आप इसको खा सकते हैं इसको आप खा लें और चबा चबा के आराम से सुकून के साथ खाएं और खाने से पहले इसको दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें और दुआ कर लें और ये नियत कर लें कि अगर बेटा होगा तो मोहम्मद रखूँगी और बेटी हुई तो कोई भी जो भी मोतबर नाम होगा जो भी अच्छा नाम होगा वह फातिमा आप रख सकती हैं तो ये आप नियत करके जब आप खाएंगी देखिए अल्लाह के आगे जो है नियत और आपका जो ईमान है वो ज़्यादा पहुँचता है हम सारी चीज़ें बताते हैं लेकिन कबूल करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात ही वो सारे नुस्खे हैं जो पुराने ज़माने से मिले हैं और ये नुस्खा जो है मुझे मेरी नानी ने बताया है ये वाला नुस्खा क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इतना इल्म नहीं था मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अम्मा थी उनकी माँ थी तो ये बताया करती थी तो हम अपनी बहू बेटियों को ये नुस्खा देते हैं
ہیں یہ سینہ در سینہ منتقل ہوئے ہیں, نسلوں میں منتقل ہوئے ہیں اور یو نو بہت بڑے نسخے ہوتے ہیں. اس میں ایک مرتبہ پھر بتا دیجیے کیا کیا چیزیں ڈالی. اچھا, اس کے اندر ایک میں نے کیلا لیا تھا اور 5 خوبانی ڈرائی والی وہ میں نے لے لی تھی, 2 گلاب کے پھول کی پتیاں میں نے اس کے اندر ڈال دی اور 1 کپ چائے کا کپ ہوتا ہے اس میں آپ نے انگور کا جو ڈنڈی صاف کر کے دھو کر وہ انگور ڈالے, تھوڑے سے پانی میں اس کو بلینڈ کر دیا اور یہ میرے پاس تیار ہو گیا. اسپون لے کے تسلی کے ساتھ آپ نے کھانا ہے, اس کو جلدی جلدی میں نہیں کھانا, تسلی کے ساتھ کھانا ہے. ایک ایک چنکس آپ کو اس کو چبا چبا کے کھانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اللہ کے حکم سے. ہماری تو پوری دعا کوشش ہوتی ہے, باقی اللہ کی ذات ہے خوشیاں دینے والی ان شاء اللہ. اور 1 مہینے تک آپ کو ریگولر اس کو لینا ہے. Alright, جی. مختلف دنیا میں مختلف قسم کے بلیفس ہوتے ہیں اور ان بلیفس کی مدد سے انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی حاجات جو ہیں وہ پوری ہوں. اللہ تعالیٰ کا بلیف ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میریکل یا معجزات جو ہیں وہ بہت ساری جگہ جو ہیں اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور کہیں کہیں یہ معجزے ظاہر ہو جاتے ہیں. ایک جگہ ہے تھائی لینڈ میں, ہم سب کو اکثر جانا ہوتا ہے, آپ لوگوں کا اگر نہیں جانا ہوا تو آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک مندر ہے اور اس مندر میں کوئی تقریباً 500 سیڑھیاں ہیں جہاں بدھا کا ٹیمپل ہے, ایک اور 500 سیڑھیاں ہیں. تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں ان 500 سیڑھیوں کو, مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں ان 500 سیڑھیوں کو چڑھیں اور پریئر کر کے پھر واپس آ جائیں. تو وہاں بھی یہ بلیفز مانے جاتے ہیں. صرف ہمارے بلیفز نہیں ہیں, یہ جو سینہ در سینہ منتقل ہوئے ہیں بلیفز, یہ تمام اقوام میں آپ کو ملتے ہیں, تمام مذاہب میں آپ کو ملتے ہیں, تمام کلچرز کے اندر آپ کو ملتے ہیں. بہت سارے لوگ یو ایس کے اندر, ایک جگہ ہے جہاں میں پڑھنے جاتا تھا, میں پڑھنے گیا ہوں, اٹ از کالڈ بیوٹ مونٹانا اور وہاں لیڈی آف دا راکیز تھی. وہاں پر لوگ جایا کرتے تھے اپنی حاجات کو پوری کرنے, یا مریم علیہ السلام کا ایک پورا اسٹیچو تھا جو وہاں پر موجود تھا. آئی تھنک اٹس اے 90 فیٹ اسٹیچو, وہ 90 فیٹ کا اسٹیچو, اس پہ کوٹ مت کیجیے گا, دیکھ لیجیے گا کتنا فیٹ ہے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں پر لوگ دعائیں مانگتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں اسی طرح سے مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق جا کے مانگتے ہیں اور اپنی حاجات کے لیے. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں, ان تمام ریمیڈیز کو استعمال کریں, میک شیور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں, یقین کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں, یقین تو ہے ہی نا, دیکھیں یقین تو ہے ہی, یقین ہر اس چیز پہ ہے جو جب تک ہم سانس لیتے ہیں ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ صحیح رکھا ہے. دیکھیے اگر تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر وہ اولاد نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو یہ دل دیا ہے فیل کرنے کے لیے. آپ ایڈاپشن پہ جا سکتے ہیں, آپ کسی بچے کو اپنا سکتے ہیں, اسے ایک گھر دے سکتے ہیں, چاہے وہ بیٹی کی شکل میں دیں, چاہے وہ بیٹے کی شکل میں دیں, اسے اپنے گھر میں لا سکتے ہیں. بیکاز آئی کین پرومس یو دس, اولاد, بیٹیاں, مائیں, سب کی سانجھی ہوتی ہے, سب کی سانجھی ہوتی ہے. جیسے جن خواتین کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن وہ مطلب پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے اس کی گود میں ڈالیں تو ہم لگتا ہے اگر وہ کوئی بچہ گود میں لے لیتے ہیں, اور بڑے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل نا امید ہو گئے ہیں اور انہوں نے کوئی بیبی گود لیا ہے, اڈاپٹ کیا, تو ود ان اے ایئر وہ خود کنسیو کر گئی. وہ چاہت ہوتی ہے اور اندر سے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور نیت کا پھل اللہ پاک دیتا ہے, لیکن یہ کہ ہاں اس کی جو ہے وہ نکلتی ہے سائیکولوجیکلی, جو وہ ظاہر سی بات ہے جب اس کو تڑپ زیادہ ہوگی تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ جس جس کی تم خواہش کرتے ہو اللہ پاک وہی آپ کو دے. حکیم صاحب کے ساتھ بھی ایک دفعہ یہ حادثہ ہو گیا تھا, حکیم صاحب کی گود میں کسی نے ننھا بچہ دے دیا تھا, اتنی مامتا باہر نکلی, پریشانی ہو گئی تھی لوگوں کو, بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو گئے تھے. ہاں کبھی کبھی اندر کی عورت جاگ جاتی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا, ایک بڑی حیرت انگیز آپ کو بات بتاؤں, بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں, از ایکچولی ناٹ رانگ. کیسے آپ کو بتاتا ہوں, میں بہت زیادہ صفائی پسند ہوں. ابھی 5-6 روز پہلے زارا کا ڈائپر لیک ہو گیا, میں ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہوں, سوری بڑی ہو گئی, بہت بہت کرے گی بتا لا, ابھی زارا کا ڈائپر لیک ہو گیا اور میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور وہ سب یہاں ہو گیا, لگ گیا, اور میں نے کچھ لوگ بلائے ہوئے تھے گھر پہ میٹنگ کے لیے. میں آپ کو بہت حیرت انگیز بات بتاؤں, آئی ڈڈ ناٹ چینج مائی شرٹ, وہ میری بیٹی ہے. I did not change my shirt. میں اس کو ایسے لے کے ایسے گھومتا رہا اور اس کے بعد پھر سو آئی ڈڈ ناٹ چینج مائی شرٹ, آئی ایم سوری. لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے یہ پھر دوبارہ ایسی چیز, یہ مجھے اس وقت احساس ہوا
कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और मेरी हैसियत क्या है. आई थिंक माई डॉटर कैन गेट अवे विद मर्डर विद मी. वो दुनिया में जो चीज़ भी कर ले सब उसके लिए सही है. और छोटा सा ब्रेक करी अब समझ लीजिए. बे औलादी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है आज. अगर आपके घर में औलाद नहीं हो रही है तो बे औलाद जोड़ों के लिए हैरत अंगेज डाइट का प्लान हम आपको बताएंगे. अभी आपको फ्रूट का बताया था फारा ने कि किस तरह से फ्रूट के जरिए बेहतर हो सकता है. इसका शर्तिया इलाज बे औलादी का. आप परेशान हैं कि अगर आपके घर में मेहमान नहीं आ रहा, खुशखबरी नहीं आ रही, अगर आप परेशान हैं तो फिर अब आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है. क्योंकि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फराना से. फराना मुझे बताइए, आपने अभी बताया कि आपके 3000 से ज़ायद पेशेंट्स हैं, 250 जो हैं वो उनके यहाँ औलाद हो चुकी है ऑलरेडी, 1500 उसमें से ऐसे हैं जो अंधे हैं, जो प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ इलाज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. तो मुझे बताइए सब कैसा होता है. और आप शर्तिया 100% कहती हैं कि होता है. हाँ जी, तो बताइए बेटे. सबसे पहले ये कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वो नाउमीदे आते हैं. जब नाउमीद आते हैं तो मैं उनसे कुछ उनके जो टेस्ट होते हैं, जो उनका पुरानी हिस्ट्री होती है, पहले वो चेक कर लेती हूँ. उसको चेक करने के बाद कुछ जो है वो ओरल सवाल इनसे पूछती हूँ, दोनों मियाँ बीवी से. मियाँ बीवी से पूछने के बाद उनको उनका इसमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं. पहली चीज़ ये है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो दोनों अगर कज़न मैरिज में हैं तो उनका ब्लड ग्रुप ये देखा जाता है. फिर अगर इलाज के प्रोसेस से जब गुजर रहे होते हैं तो उनके अगर सारे टेस्ट जो है वो क्लियर हैं और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है. इनके जीन्स में से ये आया है क्योंकि 23 सेल्स जो होते हैं वो मम्मी के होते हैं और 23 सेल्स जो होते हैं वो डैडी के होते हैं. इसमें से एक एक फैमिली का होता है, ठीक है. उस फैमिली में भी ये देखा जाता है कि आपको बेबी है या नहीं है. और इसके अलावा कुछ जो है वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसे भी देखा जाता है. ब्लड प्रेशर तो सिर्फ शोहर में होता होगा. नहीं नहीं, दोनों को देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबिसिटी है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, उन्हें देखा जाता है. फिर इसके बाद मैं भी अपनी कुछ डाइट देती हूँ, अपनी मेडिसिन देती हूँ और इसके अलावा एक्सरसाइज होती है. एक्सरसाइज में भी दो एक्सरसाइज जो होती हैं आदमियों के लिए, एक वॉक ज़रूरी है. जो ज़्यादा बैठे रहने का काम करते हैं, टमी बाहर आ जाती है, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, उनको ये मसला ज़्यादा होता है. उनके लिए एक्सरसाइज या तो वो साइकिलिंग करें, 20 मिनट साइकिलिंग करें सुबह मॉर्निंग में, या शाम में 1 घंटा वॉक करें, ठीक है. इसके अलावा जो है योगा है लेडीज़ के लिए, जो वो रोज़ाना सुबह में भी करें और शाम में भी करें. सारी एक्सरसाइजेज आप बताती हैं? मैं सब बताती हूं. ऑलराइट ऑलराइट. अच्छा मैं आता हूं, बड़ा इंट्रीगिंग सा पार्ट है कि आपने पहले इसको, मैं हटा रहा हूं अभी जी. इसको मैं हटा रहा हूं यहां पे. आप ये दो बॉटल्स जो मैंने अपने हाथ में लिए देखिए, इसमें से एक जो बॉक्स है, एक जो मेरे पास चीज़ है उसके अंदर तीन बॉटल्स हैं यहाँ पे, जिस पर एक खातून की तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पर मर्द की तस्वीर बनी हुई है. सबसे पहले हम इस बॉटल की, इन तीन बॉटल्स की बात करते हैं, इन तीन बॉटल्स की जो मेरे हाथ में, जिसपे ख्वातीन खातून की एक तस्वीर बनी हुई है, ये क्या है? ये जिनान सप्लीमेंट फॉर वुमेन है, जिसे एक बोतल खाने के बाद मैं इन्हें अल्ट्रासाउंड पे भेजती हूँ 1.5 महीने बाद. okay. क्योंकि इनकी जो रिजल्ट इनका मेरे पास है उसमें इन्हें सिस्ट भी है, ट्यूब ब्लॉक भी है, बल्कि यूट्रस भी है, इन्हें जो है फॉलिकल सिस्ट भी है, इसके अलावा इन्हें इनरेगुलर पीरियड्स है. जो मेरी एक बोतल खाने के बाद 1.5 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. मैंने ये तीनों बॉटल्स अलग कर ली, दो बॉटल्स एक जैसी हैं, इनमें हाँ. एक जैसा पाउडर है. ये कब खाना है? नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, एक 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा. अगर ज़रूरत है तो हम दूसरा भी चलाएंगे और 3 महीने का कोर्स करेंगे. मेरा सवाल, ये खाना कैसे? सुबह सुबह निहार मुंह से लेते हैं, गरम दूध में 1 टेबल स्पून. दूध नहीं तो पानी में ले सकते हैं? हाँ, पानी में ले सकते हैं. पानी में ले सकते हैं, ओके जी. 1 टेबल स्पून. रीज़न ये भी है कि पित्ते का प्रॉब्लम होता है, दूध राज नहीं आता. okay. तो आप जिनको भी मैदे का इशू है, पित्ते का इशू है, वो दूध से ना लें. ठीक है, तो पानी से लिया जा सकता है, सेफेस्ट बेट जो है वो पानी. पानी से रूम टेम्परेचर, जी रूम टेम्परेचर, 1 टेबल स्पून आपने सुबह नहार मुँह पानी से ले लिया, ठीक है जी, ओके. और जब
चौथा पांचवा और छठा दिन आपने कहा है पीरियड्स का हो तो आपने ये लेना, ये कैप्सूल लेना, एग के कैप्सूल, एग के कैप्सूल, ठीक है, ये आपने ले लिया, ठीक है जी। तो ये आपका एक पैकेट इधर हो गया जो ख्वातीन के लिए है। हम दूसरे पैक की तरफ आते हैं, ये मर्दों के लिए भी है। अब मुझे बताइए ये कैसे लेना है? ये 1 टेबल स्पून लेना है, गर्म दूध में पका के और कप में खाली करें और ठंडा होने पे, नीम गर्म होने पे इस्तेमाल करें रोजाना सुबह। ये भी दूध में ही लेना है? ये दूध में जरूरी है, दूध में जरूरी है। अच्छा जी, तो ये अब बात जान लीजिए, खास तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जब आप हमसे चाहेंगे कि हम आपको भेजें या आप इनसे रब्ता करेंगे तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इसको लेना किस तरह से है। ये जो ख्वातीन के लिए है, इसके लिए सबसे मुजरब बात ये होगी कि आप रूम टेम्परेचर पर पानी ले लीजिए, सुबह नहार मुँह 1 चम्मच घोल के इसको पी लीजिए। ये एक बॉटल या 1.5 बॉटल जो है ख़त्म हो जाएगी 1 से 1.5 महीने में। और उसके बाद जब भी आपके पीरियड्स के डेज़ हों तो उसके अंदर 4, 5 और 6 डे के अंदर आपको ये कैप्सूल लेना है। ये तो आप ख्वातीन के लिए करते हैं। इसके बाद मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूध के अंदर 1 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया जाए, ठंडा होने पर इसको इस्तेमाल किया जाए और ये भी नहार नीम गरम, नीम गरम, ये भी नहार में ओके। तो 20 मिनट बाद दोनों नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको लेने के बाद, इन तीन चीज़ों को लेने के बाद 20 मिनट के बाद नाश्ता कर सकते हैं। कितने दिन में रिजल्ट आ जाते हैं नॉर्मली? वैसे तो एक नॉर्मल जो चीज़ है, जैसे माइनर पॉइंट पे होते हैं बहुत सारे लोग, तो 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। जब बच्चियां आती हैं मेरे पास अगर नहा के बैठी हैं तो आप 15 दिन में खुशखबरी सुन लेते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा। जैसे अल्लाह ताला तमाम लोगों को औलाद की नेमत से मुस्तफीज करे। और जैसे रिज़ल्ट है 10 दिन में आ जाता है, 10 दिन में, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये औरतों के लिए है, बल्कि यूट्रस इनका वर्म हो जाता है, यूट्रस में रहम में वर्म हो जाता है, तो ये कावा देते हैं हम। 2 टेबल स्पून 1.5 गिलास पानी में जोश देना है सुबह में नहार में। लेकिन इसके लिए आपके पास उनकी रिपोर्ट्स होना जरूरी है? रिपोर्ट्स तो बेटे पहले मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ, ठीक है। फिर इंटरव्यू भी लेती हूँ और अच्छी तरीके से सारी जाँच पड़ताल करने के बाद हर एक को नहीं देती और ख्याल करती हूँ कि जिससे जरूरत है उसे ही दूँ। तो ये रहम में जो वर्म आ जाता है उसके अंदर काम आता है, ठीक है, ठीक है। इसमें गुड़ शामिल करते हैं, गुड़ शामिल करते हैं, ओके। और इसे 2 दफ़ा लेते हैं, 12 बजे दोपहर में और शाम में 6 बजे। अच्छा, ये खाने से पहले क्या टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी जी? खाने ये क्योंकि कड़वा बहुत होता है, ठीक है, आप खाने से पहले इसे ले लें और अगर खाने के बाद लेंगे तो वॉमिटिंग का है कि आपको उल्टी वगैरह ना हो। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताइए, आपके इस पैकेज के जो आपने बताया है इसको मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये एक डिफरेंट बात है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ी बात, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इसे मैंने PCSIR में दिया है टेस्ट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्राइस क्या होते हैं? असल में मैं खुल के पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। असल में हमने अभी इसे हाफ रेट पे दिया हुआ है, जिनान की सालगिरह है और ये अभी एक बोतल आपको 1125 रुपये में मिल रही है और 15 तारीख तक ये 1125 की है, 15 तारीख के बाद 2250 की, 2250 की, ओके। सो दिस इज़ रियली इनएक्सपेंसिव, बहुत कम है क्योंकि अगर आप बाहर जाएं और इसको दूसरे तरीक़ों से आप बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में या दूसरे करवाने की कोशिश करें तो आपको बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है। ये आपका 6-7-8 हज़ार रुपये का खर्चा है और ये जाहिर है अब मेरे ख्याल में हर इंसान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 200 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, मैं जिस जगह क्लिनिक चलाता हूँ वहाँ 2 रुपये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 रुपये पर्ची के हमारी क्लिनिक में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता 8 हज़ार रुपये लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे मैं फीस अवेलेबल भी देती हूँ, माशाल्लाह। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरे क्लिनिक से आके ले सकते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फराना के क्लिनिक पर जाएं, हमारा नाम लें और ये अपना पैकेज ले लीजिए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशखबरी से नवाजेंगे। छोटा सा ब्रेक आप सुनते हैं। सोने आजी चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने।
अच्छा जी सलमा क्या कर रहे हैं हम? जी मैं बस एक सफूफ बनाना बता रही हूँ। ओए और जो कि ये सफूफ आप हीरोइन के तौर पे बेच भी सकते हैं। आ जाइए प्लीज आ जाइए। अरे हकीम साहब चांदी हो गई आपकी तो, है ना? आप आइए आप आइए। अच्छा आप यहाँ हो? सॉरी सॉरी। हाँ जी अच्छा ये मैंने कहा आप औरतों में जितना खुश होते मैंने किसी को नहीं देखा। खवातीन में आपकी बाजें खिल जाती हैं, यहाँ तक चली जाती हैं। नहीं ये बातें 12 के बाद नूर आने शुरू हो जाता है। नूर आना शुरू नहीं आता तो कुछ और है, आप उसे नूर कह रहे हैं। हाँ जी जब एक चीज मैं बताऊंगी कि नॉर्मली हमारे फैमिलीज के अंदर जब बच्चियों को नहीं प्रेगनेंसी होती शादी के फौरन बाद ही सासें बात करना शुरू कर देती हैं, लड़का और लड़की चाहते नहीं है उस टाइम पे। एक सेकंड यहाँ होल्ड कर लीजिए, आप दोनों एक्ट्रेसेस हैं, दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, दो सासें बातें कर रही हैं कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही और दोनों ब्लेम कर रही हैं अपनी सास को, अपनी मतलब बहू को, कैसे ब्लेम करेंगी? हाँ जी और क्या कोई खुशखबरी? अभी तक ये तो है। हाँ हम कर सकते हैं। हकीम साहब को बना लीजिए सास, हकीम साहब हम दोनों ने अपनी बहुओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। आए हाय बहन क्या बताओ इतने दिन गुजर गए। अच्छा अभी तक? अभी तक भाई मैं क्या बताऊँ, बस मेरे यहाँ अभी कोई खुशखबरी नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। किस डॉक्टर को दिखाए हैं? तो ये बहू बन जाओ। तीसरी सांस भी ऐड हो जाए। जी तीसरी सांस। अरे भाई तुम लोग क्या अपना रोना रोगे, ऐसी कलमुही आइए मेरे घर पर, ऐसी नेस्ती लेकर आइए, ऐसा ऐसा मनहूस कदम लेकर आइए, सारी खुशियां कहाँ की खुशखबरी आ रही, जैसे ही आई मेरे बेटे की नौकरी खा गई तो कहाँ से खुशखबरियाँ सुनाएगी, बस सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बस बेट औलाद की ना पोता पोती की ख्वाहिश लेकर ही मर जाऊंगी मैं तो बस। हकीम हकीम साहब आपके फर्जंद हैं, कुछ कहिए आप सर। ये कौन है? ये फर्जंद है ये आपके 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 फर्जंद हैं आपके आपके जिनकी नौकरी खाई है। आप बताइए ना कि अम्मा आप तो कहती रहती हैं मेरा चांस है बेटे का। ग्रहण लग गया उसको, उसकी जिंदगी को ग्रहण लग गया। बेटा तुम भी तो कुछ बताओ क्या हुआ अभी तक, कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई तुमने अपनी माँ को? देखिए अल्लाह के हाथ में ना सब कुछ, हमारी तो कोशिश जारी है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ अब जोरू का गुलाम हो गया है, इसको तो जो वो बोल रही है वो। तुम तो बताओ ना। बस बस मजीद मत बताएं, हकीम साहब खुल जाएंगे। अच्छा वैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर भी खुशखबरी नहीं आई बहुत अरसे, हर एक से पूछते थे भाई मेरा औलाद नहीं हुई मेरा औलाद नहीं हुई, फिर लोगों ने उन्होंने बताया आप शादी करें हो जाएगी। लेकिन ये है कि जैसे कि मतलब अभी इन दोनों ने करके दिखाया, होता क्या सासें बैठ के अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बहनों के साथ ये बात तो करती हैं लेकिन वो ये नहीं देखती कि बहू पर असर क्या पड़ रहा है। और लोगों को भी ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, सबका ऑल्सो पर्सनल मैटर है, आप क्यों इतने क्वेश्चंस करते हैं? बजाय दुआ देने के लोग उसमें चिंगारी डालते हैं। खैर ये मर्द और औरत दोनों के लिए है और ये मसला सिर्फ औरत का नहीं है मर्द का भी है, दोनों एक की नस्ल जो रुकी हुई है और एक औरत जो मुकम्मल नहीं हो सक रही ठीक है जब तक उसकी औलाद नहीं आती, तो ये उन दोनों के लिए है। तो सबसे पहले अपनी बीवी को खुश रखिए, वो अपने शौहर को खुश रखें, लोगों की बातों और फजूल बातों में मत जाएं, अल्लाह पाक से उम्मीद रखें और हमारे टोटके आजमा के देखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को खुशखबरी दें। अब इसके अंदर सबसे पहले खातून के लिए हैं, उसमें ये है कि निशास्ता गंदम है वो हम ये सारी चीज़ें हम वजन हैं आप इकट्ठी एक बॉटल में शीशे की बॉटल में किसी शीशे के जार में बना कर रख लीजिए और सुबह निहार मुँह पानी के साथ आपने लेना है। 1 टीस्पून मर्द ने लेना है उसका अलग है, औरत ने अलग लेना है, 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना। ये मैं 1 टीस्पून के साथ बना कर बता रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने निशास्ता गंदम ले ली है, ये लूत पठानी है ये 1 टीस्पून है और इसमें गुले पिस्ता है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न आपने एक कंटेनर में डालकर रख देनी है, इसे एक दफ़ा शेक कर दें। उसके बाद खातून जो भी बच्ची है वो रोज़ सुबह उठकर निहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ ये 1 टीस्पून ले लें, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और अपनी खुराक में प्लीज़ ओमेगा 3 को ऐड करें, अंडा ज़रूर खाएँ अगर पॉसिबल है,
तो दूध का ऐड रखें बस, ज़्यादा नहीं। मैं कहती कि हाँ जी बहुत ज़्यादा कुछ खाएं कि हम अगर आप परचेज नहीं कर सकते। आदमी का पता, आदमी का भी बता दीजिए। ठीक है, अब ये आदमी का है फुल मखाना, सॉरी ताल मखाना है 1 टीस्पून, असगन नागोरी है जो कि हमेशा से बहुत मशहूर है, और सफ़ेद मूसली है। कोशिश कीजिए सफ़ेद ही हो और अपने सामने लेकर ये सारी चीज़ें ख़ुद पिसवाइए। सफ़ेद मूसली है 1 टीस्पून मैंने डाली हम वज़न, ये तीनों चीज़ें लेकर इनको आपने 1 टीस्पून फॉर मेल सुबह पानी के साथ निहार मुँह, और फीमेल के लिए ये अलग है। ये आप इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। मगरिब में औलाद के लिए कोई भी चीज़ कुछ ख़ास ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ औलाद के लिए इंसान का शादीशुदा होना अशद ज़रूरी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ज़ाहिर है जब हम औलाद की बात करते हैं तो औलाद की ख्वाहिश तमाम लोगों को होती है। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हुई है, और आपकी फैमिली में बहुत सारे होंगे, बल्कि मेरे अपने यहाँ औलाद तकरीबन 9 साल के बाद आई, तो दैट्स जस्ट इट जस्ट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। हाँ डेफिनेटली। हैविंग सेड दैट दो, मैं आई एम श्योर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बताती हूँ विच यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफ ज़रूर अगर आप वाकई में बच्चा चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, सबसे बिगेस्ट फैक्टर ये है स्ट्रेस, एंड स्टॉप गिविंग ईच अदर स्ट्रेस। आप अगर मैरिड हैं और आप लोग औलाद चाहते हैं तो ऑब्वियसली क्लियरली आप अपना रिश्ता आगे लेकर चलना चाहते हैं, और आप एक दूसरे को टॉर्चर करना छोड़ दें, खुश रहें वगैरह वगैरह। उनको स्पेसिफिक कर दें, टॉर्चर मतलब मर्दों की तरफ से होता है या खवातीन की तरफ से होता है? दोनों तरफ से। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये फैमिलीज की तरफ से भी नहीं होना चाहिए और कपल्स में आपस में तो होना ही नहीं। ये मेडिकल फैक्ट है। कल जब हम ये डिस्कशन हो रहा था इस टॉपिक का, आई वाज गूगलिंग स्टफ एंड आई स्पोक टू अ डॉक्टर एज वेल, उन्होंने कहा कि सबसे बिगेस्ट फैक्टर इन कपल्स फॉर इनफर्टिलिटी इज एक्चुअली स्ट्रेस। एलिमिनेट करें जिस भी तरीके से कर सकते हैं। द अदर थिंग इज डाइट। आप अपनी जितनी अच्छी डाइट खाएंगे जिसके अंदर फिश प्रोटीन बहुत सारा खाएं, इसके अंदर वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल्स के अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं विच यू रियली रियली नीड, ज़रूर खाएं। और उसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट। वियर्डली हम लोगों के मुल्क के अंदर इतना अच्छा ड्राई फ्रूट होता है मगर हम लोग नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते। और आई थिंक सिंध में ज़्यादा नहीं खाया जाता लेकिन पंजाब में और केके में बहुत खाया जाता है। मतलब इट्स डिपेंड्स, कहीं कुछ लोग पैसों की वजह से नहीं खा सकते, इट्स बिकम एक्सपेंसिव, बट फिर भी कोशिश करें कि एक मुट्ठी भर ऑफ व्हाटएवर ड्राई फ्रूट दैट यू कैन गेट जिसके अंदर। अच्छा आपने ये दिखा दें इनको, आपने इस प्लेट में रखा क्या है? आपने इस प्लेट के अंदर पिस्ताशोज रखे, यानी पिस्ते रखे हुए हैं, देन कैशू नट्स हैं, कैशूज हैं, काजू हैं, साथ साथ अखरोट है, यहाँ पे वॉलनट है, फिर इसके बाद आलमंड्स हैं, आपने कुछ आलमंड्स भी रखे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव किशमिश, ये है रीजंस हैं, और इसके बाद ये मिस्री है। मिस्री इज कॉल्ड व्हाट? मिस्री इज बेसिकली मिस्री इज जैगरी, अंग्रेजी जैगरी बोलते हैं लेकिन मिस्री है, और एंड देन ऑफ कोर्स इसके बीच में खोपरा है, नारियल, कोकोनट। तो बेसिकली ये 5-6 चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी, लेकिन आप इसका अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, मुट्ठी भर इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक मेन एंड वुमेन बोथ दोनों को लेना है। दोनों एक बार फिर ये चीज़ें बता दें, बताना शुरू कीजिए। पिस्ताशियो, कैशू मतलब पिस्ता, काजू, अखरोट, बादाम, किशमिश और मिस्री और खोपरा। और खोपरा, अच्छा इसको सिर्फ एक मुट्ठी भर खाना है? एक मुट्ठी भर हर रोज़ खाएँ। और अगेन लाइक आई सेड कि अपनी वैसे मैं बाकी की बना के बता देता हूँ आपको, पता हो 3-4 इस तरह से आपने इसमें ले लिए, ऐड कर लिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग फिर मिस कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, एंड दिस इज ऑल देयर इज टू इट। ये आपकी एक मुट्ठी हो गई है, मुट्ठी भर, एंड जस्ट इतने ये आपने देखिए डेली अगर आप इतना खाते हैं, डेली अगर आप इतना खाते हैं तो
विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह आपको खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, लेकिन ये अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए, मेन एंड वेमेन बोथ। देखिए जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इलाजों की, तो कम से कम यू ओ इट टू योर सेल्फ, आप खुद ओ करते हैं अपने आप को कि आप कम से कम ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये ट्राई ज़रूर कीजिए। आ जाए, देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट, इट्स स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं, मेन और वेमेन, वो लोग बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं। ओके, तो स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसमें स्मोकिंग को छोड़ दी देना चाहिए। और यू हैव टू लीव इट, मतलब इफ़ यू प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, तो मतलब आप मच बिफोर कंसेप्शन यू शुड। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात बता रहा हूँ, समवेयर आई हर्ड सम वाइज मैन टोल्ड मी वंस, इसका कोई ओरिजिन नहीं है कहीं से, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, किस जगह से आई है, देयर इज नो ओरिजिन, मे बी देयर इज वन, बट यू नो देयर इज, मैं आपको जो इस वक्त बात बताने जा रहा हूँ वो एक टोटका है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और समटाइम्स इट एक्चुअली वर्क्स, मुझे नहीं पता ये किनको वर्क करता है किनको नहीं करता, ऐसी कोई इस पर स्टडीज़ नहीं है, बट ये एक टोटका है जो मैंने कहीं सुना था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेब ले लीजिए और हर रोज़ सुबह आधा आप खाएँ और आधा अपनी बेगम को खिलाएँ, दैट वेरी पर्टिकुलर सेब, वही सेब आधा खुद खाइए और आधा अपनी बेगम को खिलाइए, एंड नॉर्मली कहा यह जाता है कि औलाद हो जाती है। आई डोंट नो, अगेन इसको कोट मत कीजिएगा, मैं कोई ना तो इस पर कोई ऑथेंटिसिटी से बात कर सकता हूँ, हवा और आदम ने सेब स्प्लिट किया था ना। देखें ये सब वो चीज़ें हैं जो मुंतकिल होती आई चली आई हैं, तो इसके ओरिजिन का मुझे पता नहीं है, और जाहिर है मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है। सो एक सेब ले लीजिए, उसको आधा कर लीजिए, आधा आप उसे खा लीजिए नहार मुँह, और आधा आप अपनी बेगम को खिला दीजिए, और इंशाल्लाह ताला इंतज़ार कीजिए, अल्लाह ताला खुशखबरी दे देगा। लेकिन बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि अगर खुदा ना करे ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो याद रखिए अडॉप्शन की तरफ ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए, अपने घर को मुकम्मल कीजिए, अपनी फैमिली को मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो आपकी गोद में आएगा ना, या आएगी, आपको याद ही नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होगा कि ये आप ही करें। जी अच्छा जी, इससे पहले कि मैं शाह साहब की तरफ जाऊं, शाह साहब एक बहुत गारंटेड सफूफ बना रहे हैं, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं। एक बार फिर उन लोगों ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, फरहाना का शर्तिया इलाज है औलाद होने का, फरहाना के पास ये नुस्खा जो है ये इनकी दादी और नानी से मुंतकिल हुआ है, नानी से मुंतकिल हुआ है। ये एक पैकेज आपको देती हैं, इस पैकेज के अंदर चार बॉटल्स होती हैं, दो मर्दों के लिए होती हैं और दो ख़वातीन के लिए होती हैं, तीसरी एक और बॉटल है, जो पाँचवीं एक और बॉटल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ख़वातीन की बॉटल होती है उसको आपको नहार मुँह एक चम्मच ठंडे या रूम टेम्परेचर पानी के साथ लेना है, नहार मुँह हर रोज़ सुबह एक चम्मच लेना है, और ये डेढ़ माह तक आपको इसको इस्तेमाल करना है, और साथ साथ जब आप अपने पीरियड्स में हो तो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे को आपको ये कैप्सूल लेने हैं, और इसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये दूसरा वाला जो पैक है इसके अंदर, और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कहीं पर अगर मैं गलत हूँ, ये दूसरा वाला पैक जो है ये आपने एक चम्मच लेना है दूध के साथ, इसको पकाना है, वन टेबल स्पून दूध के साथ इसको पकाना है, इसके बाद इसको ठंडा कर लेना है, और नीम गर्म, जब वो नीम गर्म हो तो उसको पी लेना है, और ये भी नहार मुँह, लेकिन इसके साथ दूध बहुत ज़रूरी है, ये दूध के अंदर ही पकेगा, और ये भी डेढ़ महीने तक इस्तेमाल करना। जी डेढ़ महीने। ओके, तीन महीने का है कोर्स। जी कोर्स तीन महीने का है, ये मर्द हजरात के लिए है, ये बॉटल्स जो दो हैं ये मर्द हजरात के लिए हैं, देख लीजिए ये मर्दों के लिए हैं, और ये बॉटल्स जो हैं, जो तीन बॉटल्स हैं ये ख़वातीन के लिए हैं, दो उसी तरह की बॉटल्स हैं और एक बॉटल्स के अंदर कैप्सूल है जो आपको फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ डे लेने हैं। अच्छा, कोई ऐसा आपके पास केस आया जहाँ आपने उनको देखा हो और आपने उनकी मदद करना चाही हो और फिर वो हो गया हो, तो उनका रिस्पांस क्या हुआ होगा, और उनके पास पैसे नहीं थे आपको देने के लिए? ऐसे भी केसेस आए हैं मेरे पास जिन्हें मैंने सिर्फ कैप्सूल्स दिए हैं और उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझे आके बॉटल जो है वापस कर दी और ये कहा कि मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया। माशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिले तो आप फरहाना से रابطہ कर सकते हैं, और अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते आप तब भी फरहाना से रابطہ कर सकते हैं क्योंकि ये आपको फ्री भी मिल सकता है, तब भी आप, क्योंकि फरहाना जो है वो डेफिनेटली आप बिल्कुल رابطہ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं वापस आऊँगा तो एक हैरतअंगेज सफूफ है जो बनाने जा रहे हैं शाह नज़ीर साहब, आपके बहुत काम आने वाला है, अगर आपको औलाद की ख्वाहिश है। देखते रहिएगा, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीवे सोने आजी, चाहे किसी का हो कर जी, जीवे सोने आजी।
once again, welcome back. और शाह साहब क्या कर रहे हैं बता दीजिए जी. मैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ. और अक्सर लोगों के रैपिड में कमी आ जाती है, मोर्टेलिटी कम होती है, स्पर्म काउंट्स कम होता है, और इसमें अक्सर लोगों के पस सेल आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो सेल के जो जरासीम है वो मर जाते हैं. और अक्सर लोगों के एबनॉर्मल्स होते हैं जरासीम. इन सबको कवर करने के लिए टोटली ये तीन चार चीज़ें हैं, ये ऐसे करीब से मैं दिखाना चाहूँगा. इसमें है सालक पंजा, सफ़ेद मुसली, बहमन सफ़ेद मिस्री. सालक पंजा, सफ़ेद मुसली, बहमन सफ़ेद और मिस्री, ये बराबर वजन लेनी है 50-50 ग्राम. मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम, चाय वाला चम्मच तकरीबन इतना, दिन में 2 मरतबा देना है ये. और ये दूध से या पानी से देना, लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करना. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो वो मिश्री ना डालें. एक बार फिर इसको बता दीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बार फिर बता दीजिए. देखें इसमें टोटली 4-5 चीज़ें हैं, ये इसमें है, ये इसको मैं पकड़ लेता हूँ. अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताइए जी. इसमें है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, सालक पंजा दिखा दे बिल्कुल. ये पंजे की तरह होती है, ये पंजे की तरह से होता है, लोगों को पता हो एग्जैक्टली क्या है सालक पंजा. ओके, सालक पंजा, बहमन सफ़ेद, ये बिल्कुल भिंडी सूखी हुई होती है, ये बहमन सफ़ेद जी, सूखी हुई भिंडी है. ओके, नहीं सूखी भिंडी नहीं है, उसकी तरह होती है, उसकी तरह, सॉरी सॉरी. और मिश्री, मिश्री, ओके, मिश्री. इनको मिला के बराबर वजन 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम को, एक कप दूध या पानी के साथ दें, लगातार 3 महीने इस्तेमाल करना. अच्छा है. ये मर्द और ख्वातीन दोनों को नहीं, ये करना सिर्फ मर्द के लिए है, सिर्फ मर्द के लिए, ये मर्द के लिए है. उनके स्पर्म काउंट्स भी बेहतर हो जाएंगे और किसी भी किस्म की जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाएगी और रैपिड भी कम्प्लीट हो जाएगा इनका. और जिन ख्वातीन में एग्स मैच्योर नहीं बन रहे हो, यूट्रस बल्की हो रहा हो, वर्म हो रहा हो, अक्सर थोड़ा सा वेट भी बढ़ रहा होता है साथ में, और किसी भी हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से भी ये अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है कि इसमें हमल नहीं ठहरता, और जिन लोगों के फाइब्रॉइड हो जाता है, अक्सर लोगों के इसमें पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से भी हमल नहीं ठहरता. तो जिन लोगों को पीसीओ की प्रॉब्लम रहती हो, जिनको पानी की थैलियाँ बन रही हो, या सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, राइट, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखिएगा. जिनको भी पीसीओ की प्रॉब्लम रहती हो, ये लूत पठानी, गुले पिस्ता. ओके, लूत पठानी, गुले पिस्ता, ये बराबर वजन लेके मिक्स करके पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, एक कप दूध से, साथ में अरके मको, एक कप सुबह, एक कप शाम. और ये खास आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिएगा और लगातार 3 महीने यूज़ कीजिएगा और अपना अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, आपका पीसीओ नील मिलेगा इंशाल्लाह. Okay. इसमें okay. और जिन लोगों के एग्स मैच्योर नहीं बन रहे हो, हमल नहीं ठहर रहा हो, ये यूट्रस को ताकत भी देगी और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करेगी. इसमें टोटली 4 चीज़ें, गुले पिस्ता, लूत पठानी, गुले सुपारी, मिश्री. अगर डायबिटिक हो तो मिश्री ना डालें, ठीक है. गुले पिस्ता, लूत पठानी, गुले सुपारी, मिश्री, इनको बराबर वजन मिक्स करके पाउडर बना लें, जैसे ये हम पाउडर बना के लाएं, ठीक है. पाउडर बना के एक चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, एक कप दूध के साथ, बाद में अरके मको पिए इसके साथ, लगातार 3 महीने पीना, अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लेना है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी 3 महीने में आपकी खुशखबरी आ जाएगी आपको. क्योंकि ये मैंने कुछ अर्सा पहले भी बताया था और मुझे कहते हैं ना कि 100-200 लोगों ने नहीं, मुझे कम से कम 3-4 हज़ार लोगों ने खुशखबरी सुनाई है, और ऐसे लोगों ने भी खुशखबरी सुनाई है. कि एक और अफादियत बताऊं, ऐसे लोगों ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि जिनको 11 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है और रिपोर्ट उनके हाथ में और प्रेगनेंसी हुई है और वो रो भी रहे हैं और मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, कहते यकीन नहीं आ रहा मैं, क्योंकि वो लाखों रुपए उड़ा चुके थे, मैक्सिमम इसके ऊपर 500 भी खर्चा नहीं है. मैं चाहूँगा कि ये नुस्खा एक बार फिर बता दें ताकि सबको पता हो एग्जैक्टली करना क्या है. इस नुस्खे के 2 पहलू हैं. पहला पहलू जो है वो मर्दों के लिए है, तो आइए सबसे पहले हम मर्दों की बात करते हैं कि उन्हें क्या इस्तेमाल करना है. जी जी, ये मर्द हजरात मैं पकड़ रहा हूँ, छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बताइए. सर्वे मर्द हजरात के लिए जिनके स्पर्म में कमी हो या रैपिड कम आ रहा हो या स्पर्म क्वांटिटी कम आ रही हो, उनको पूरा करने के लिए ये ओलिगोस्पर्मिया में भी काम आती है, एजोस्पर्मिया में काम नहीं आएगी. ये उसमें है सफ़ेद मूसली, सालक पंजा, बहमन सफ़ेद,
और मिश्री, ठीक है, ये बराबर वजन लेनी है 50-50 ग्राम, मिक्स करके पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, एक कप दूध के साथ या पानी से, लगातार 3 महीने मर्द हजरात इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा, जो खवातीन के लिए हमल ठहराने के लिए, जिनका यूट्रस कमज़ोर हो, एग्स मिच्योर नहीं बन रहे हो, बल्कि यूट्रस हो रहा हो, उसको दूर करो, अंदरूनी वर्म को दूर करने के लिए गुले पिस्ता, लूत पठानी, गुले सुपारी, मिश्री, गुले पिस्ता, लूत पठानी, गुले सुपारी, मिश्री, ये बराबर वज़न 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम, खाने से पहले एक कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिएं, एक कप सुबह एक कप शाम, लगातार 3 महीने इस्तेमाल करना है, और अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिएगा। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने बताया था कि औलाद का होना एक बहुत नेमत है, और उन लोगों से पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है, वो क्या करते हैं और कितनी तगदौक करते हैं। होपफुली आज का शो हमारा आप सबके लिए मुफीद रहा होगा, फ़ायदेमंद रहा होगा। आप जिन्होंने हमें देखा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सिर्फ 2-3 बातें करना चाहता हूँ जाने से पहले, बंद कर दीजिए म्यूज़िक। देखिए, औलाद का होना या ना होना अल्लाह ताला का इख्तियार है, उस पर इंसान का कोई भी जोर नहीं, इंसान का किसी चीज़ पर जोर नहीं है। बस इतना याद रखिए कि आप जो भी नुस्खा जात इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए, और याद रखिए अपनी 12 कोशिश कर लीजिए, हर चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, दुनिया के तमाम क्लिनिक्स, तमाम डॉक्टर्स को दिखा लें, अगर अल्लाह ताला ये नहीं चाहते तो वो नहीं चाहते। बस अपने दिल में इतनी जगह दें, इस दुनिया में ऐसे बेतहाशा बच्चे हैं जिनका कोई घर नहीं, जो आपके मुंतज़र हैं। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में औलाद आ नहीं सकती। याद रखिए, जब आप अपने दिल को कुशादा करेंगे तो आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा, दिल की कुशादगी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी बातें अगले शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।